हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एथलेटिक के थ्रोइंग इवेंट डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रो, जेवलिन थ्रो एंड शॉट पुट से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस लेकर के, जिसमें आपके सभी क्वेश्चन समाहित हैं। इससे बाहर कोई भी इन चारों का क्वेश्चन नहीं आ सकता। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। चाहे आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे किसी भी स्टेट के टीजीटी, पीजीटी, एमपी टेट, यूपी टीजीटी, एलटी, किसी भी चीज़ का, तो चलिए चलते हैं देर न करते हुए क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं डिस्कस थ्रो यानी चक्का फेंक से रिलेटेड क्वेश्चंस। क्वेश्चन है, डिस्कस का भार पुरुष वर्ग के लिए कितना होता है? तो दोस्तों, जो चक्का यानी डिस्कस होता है उसका भार पुरुष वर्ग के लिए 2 kg होता है एंड महिला वर्ग के लिए होता है 1 kg। एंड डिस्कस के सेक्टर का कोण कितना होता है? तो दोस्तों, सेक्टर का कोण जो होता है डिस्कस के, वो होता है 34.92 अंश। यानी कि शॉट पुट, हैमर थ्रो, डिस्कस थ्रो, तीनों के सेक्टर का कोण होता है 34.92 और जेवलिन यानी भाला फेंक के सेक्टर का कोण होता है 29 अंश। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्कस थ्रो के सर्कल का व्यास कितना होता है? तो जो सर्कल होता है जिसमें से फेंका जाता है उसका व्यास होता है 2.50 मीटर होता है। जबकि दोस्तों, जो डिस्कस थ्रो होता है इसके सर्कल का व्यास 2.50 मीटर होता है, जबकि शॉट पुट और हैमर थ्रो के सर्कल का व्यास जो होता है 2.135 मीटर होता है उन दोनों का। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्कस थ्रो में रिटर्निंग लाइन की लंबाई कितनी होती है? तो जो रिटर्निंग लाइन होती है दोनों तरफ, वो 75 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट है डिस्कस थ्रो में रिंग की मोटाई कितनी होती है? तो रिम जो लगी होती है डिस्कस में, उस रिम की मोटाई होती है 6 mm यानी मिलीमीटर। नेक्स्ट है डिस्कस थ्रो में कैग के सामने का खुला भाग होता है, तो जो कैग होता है यू आकार का बना होता है, जब फेंकते हैं तो उसी में जाता है, वो होता है आपका खुला भाग होता है 6 मीटर का। कितना होता है? 6 मीटर का। नेक्स्ट है डिस्कस थ्रो में कैग के में कितनी भुजाएं होती हैं? तो उसमें 6 भुजाएं होती हैं। नेक्स्ट है डिस्कस थ्रो में कैग में जो कैग होती है उसकी ऊंचाई कम से कम होती है कितनी? तो कैग की ऊंचाई होती है 4 मीटर, भुजाएं होती है 6। ठीक है, एंड नेक्स्ट डिस्कस के कैग का आकार कितना होता है? तो कैग का जो आकार होता है यू शेप में होता है, यानी यू आकार का। नेक्स्ट डिस्कस के सेक्टर के रिम की मोटाई कितनी होती है? तो जो रिम होता है उसकी मोटाई 6 mm यानी 6 मिलीमीटर होती है। नेक्स्ट डिस्कस के सेक्टर में रिम के ऊपर की जो की ओर निकला रहता है, डिस्कस के सेक्टर में रिम ऊपर की ओर निकला रहता है तो कितना निकला रहता है? 6 mm निकला रहता है। नेक्स्ट डिस्कस का पुरुषों के लिए ब्यास कितना होता है? तो 219 से 221, ठीक है, 219 से 221 mm यानी मिलीमीटर होता है पुरुषों के लिए डिस्कस का ब्यास। और महिलाओं के लिए डिस्कस का ब्यास कितना होता है? तो महिलाओं के लिए डिस्कस का ब्यास 180 से 182 mm, पुरुषों के लिए 219 से 221 mm, महिलाओं के लिए 180 से 182 mm होता है महिलाओं के लिए डिस्कस का ब्यास। नेक्स्ट डिस्कस के बीचों बीच में पुरुषों के लिए मोटाई कितनी होती है? तो वो होती है आपका 44 से 46 mm। क्वेश्चन है डिस्कस के बीचों बीच में महिलाओं के लिए मोटाई होती है, तो डिस्कस के बीचों बीच में महिलाओं के लिए मोटाई कितनी होती है? 37 से 39 mm। कितना होता है? 37 से 39 mm यानी कि मिलीमीटर। एंड डिस्कस की स्पर्धा में टाई पड़ जाए तो निर्णय लेने का आधार क्या होता है? यदि डिस्कस स्पर्धा हो रहा है, यदि उसमें टाई आ जाए तो क्या निर्णय लिया जाएगा? तो नेक्स्ट बेस्ट परफॉर्मेंस देखा जाएगा। ठीक है, अगली बार की जो बेस्ट परफॉर्मेंस होगा उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। ये तो था डिस्कस थ्रो यानी चक्का फेंक। अब बात करते हैं तारा गोल फेंक। ठीक है, तारा गोला फेंक यानी कि हैमर थ्रो के बारे में। तो हैमर थ्रो से रिलेटेड क्वेश्चन है कि हैमर थ्रो के सर्कल का व्यास कितना होता है? जैसे कि अभी मैंने बताई कि जो डिस्कस थ्रो होता है उसके सर्कल का व्यास होता है 2.5
50 मीटर एंड हैमर थ्रो एंड शॉट पुट इन दोनों के सर्कल का व्यास होता है 2.135 मीटर, ठीक है 2.135 मीटर। नेक्स्ट है हैमर थ्रो में थ्रोइंग सेक्टर का कोण कितना होता है, तो थ्रोइंग सेक्टर का कोण सभी का, चाहे डिस्कस थ्रो हो, हैमर थ्रो हो, शॉट पुट हो, तीनों के थ्रोइंग सेक्टर का जो कोण होता है 34.92 अंश होता है, जबकि जेवलिन थ्रो के सेक्टर का कोण 29 अंश होता है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है हैमर थ्रो की रिटर्निंग लाइन की लंबाई कितनी होती है, तो सभी के रिटर्निंग लाइन की लंबाई होती है 75 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हैमर का व्यास पुरुष वर्ग के लिए कितना होता है, तो हैमर का व्यास जो होता है पुरुष वर्ग के लिए 110 से 130 सीएमएम होता है, और महिला वर्ग के लिए कितना होता है व्यास, तो महिला वर्ग के लिए होता है 95 से 110 सीएमएम। यानी हैमर का व्यास पुरुष वर्ग के लिए 110 से 130 सीएमएम, महिला वर्ग के लिए 95 से 110 सीएमएम होता है। नेक्स्ट हैमर का भार पुरुष वर्ग के लिए कितना होता है, तो 7.260 केजी। याद रखिएगा हैमर थ्रो एंड शॉट पुट दोनों का भार होता है पुरुष वर्ग के लिए 7.260 केजी, ठीक है, एंड महिला वर्ग के लिए होता है दोनों में शॉट पुट और हैमर थ्रो में 4 केजी, महिला वर्ग के लिए 4 केजी, ठीक है, पुरुष वर्ग के लिए 7.260 केजी एंड महिला वर्ग के लिए 4 केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैमर थ्रो में पुरुष के लिए तार की लंबाई कितनी होती है, तो हैमर थ्रो में पुरुष के लिए तार की लंबाई 1175 से 1215 एमएम होता है, कितना 1175 से 1215 एमएम होता है। नेक्स्ट है हैमर थ्रो में महिला के लिए तार की लंबाई कितनी होती है, तो 1160 से 1195 एमएम होता है। नेक्स्ट हैमर थ्रो के कैग में जाल की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। नेक्स्ट हैमर थ्रो के कैग में जालों की चौड़ाई कितनी होती है, तो 2.74 मीटर होती है। नेक्स्ट हैमर थ्रो के कैग की ऊंचाई कितनी होती है, तो 7 मीटर होती है। कैग दोस्तों इस आकार का होता है, ऐसे करके होता है, इसी में आप फेंकेंगे तो वो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो की। दोस्तों जेवलिन थ्रो के सेक्टर का कोण होता है 29 अंश, ठीक है, एंड रनवे की लंबाई होती है 30 से 36.5 मीटर, 30 से 36.5 मीटर, इंपॉर्टेंट है, रनवे हर बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है जेवलिन के रनवे पर एक थ्रोअर ज्यादा से ज्यादा कितना चिन्ह लगा सकता है, तो जेवलिन के रनवे पर एक थ्रोअर ज्यादा से ज्यादा 2 चिन्ह लगा सकता है। नेक्स्ट है जेवलिन की स्टॉप लाइन यानी आर्च लाइन तथा रिटर्निंग लाइन की मोटाई कितनी होती है, तो 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट जेवलिन के सेक्टर में रिटर्निंग लाइन की लंबाई कितनी होती है, तो रिटर्निंग लाइन डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रो, जेवलिन थ्रो, शॉट पुट, चारों में आपका 75 सेंटीमीटर रहेगा, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है जेवलिन का सीजी पॉइंट अवस्थित होता है, तो जेवलिन का सीजी पॉइंट यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट जो होता है वह होता है ग्रीप पर अवस्थित होता है, जहां पे पकड़ होती है। नेक्स्ट है तकनीकी रूप से जेवलिन को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन से जेवलिन को तकनीकी रूप से 3 भागों में बांटा गया है, तो इसको बांटा गया है हेड, शाफ्ट एंड कार्ड ग्रिप। नेक्स्ट है पुरुषों के लिए भाले का भार कितना होता है दोस्तों, तो 800 ग्राम, महिलाओं के लिए 600 ग्राम। पुरुषों के लिए भाले की लंबाई कितनी होती है, तो 260 से 270 सेंटीमीटर, मीटर में कहेंगे तो 2.60 से 2.70 मीटर। नेक्स्ट है महिलाओं के लिए भाले की लंबाई कितनी होती है, तो 2.20 से 2.30 मीटर। नेक्स्ट है ग्रीप का व्यास ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, तो ग्रीप का व्यास ज्यादा से ज्यादा 8 एमएम हो सकता है। नेक्स्ट पुरुषों के लिए ग्रीप की लंबाई होती है, तो पुरुषों के लिए ग्रीप की लंबाई 15 से 16 सेंटीमीटर एंड महिलाओं के लिए ग्रीप की लंबाई होती है 14 से 15 सेंटीमीटर।
मेष पुरुषों के लिए धातु सहित नोक की लंबाई होती है तो 25 से 33 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए भी इतना ही होता है। नेक्स्ट है, जेवलिन में अगर टाई पड़ जाए तो निर्णय का आधार क्या होता है? तो दोस्तों, जेवलिन में भी टाई पड़ जाए, चाहे डिस्कस थ्रो में टाई पड़ जाए, शॉर्ट पुट में टाई पड़ जाए, हैमर थ्रो में टाई पड़ जाए, तो नेक्स्ट निर्णय का आधार होगा नेक्स्ट बेस्ट परफॉर्मेंस। नेक्स्ट है, महिलाओं के लिए भाले का भार कितना होता है? तो 600 ग्राम। अब बात करते हैं दोस्तों शॉर्ट पुट। मैं डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रो, जेवलिन की बात कर चुकी, अब बात करती हूं शॉर्ट पुट यानी गोला फेंक। तो जैसे कि शॉर्ट पुट और हैमर थ्रो दोनों की जो मेजरमेंट होती है सेम सेम होती है, अंतर बस इतना होता है कि शॉर्ट पुट में स्टाफ बोर्ड होता है और जो वजन होता है, सेक्टर का कोड होता है, सब कुछ सेम होता है, तो जो फेंकने का तरीका होता है वो अलग अलग होता है। तो देखते हैं क्या है इसमें। पुरुषों के लिए 60 फुट के सेक्टर का व्यास कितना होता है? तो 2.135 मीटर। जैसे कि अभी मैं बताई हूँ कि डिस्कस थ्रो में 2.50 मीटर एंड 60 फुट और हैमर थ्रो का 2.135 मीटर। नेक्स्ट है, 60 फुट में लैंडिंग सेक्टर का कोण जो होता है वह 34.92 अंश होता है। ठीक है, 60 फुट, हैमर थ्रो, डिस्कस थ्रो तीनों में सेक्टर का व्यास 34.92 होता है, जबकि जेवलिन थ्रो में 29 अंश होता है। नेक्स्ट है, 60 फुट में रिटर्निंग लाइन की लंबाई कितनी होती है? तो 75 सेंटीमीटर होती है। कितना होता है? 75 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, 60 फुट में रिटर्निंग लाइन की मोटाई कितनी होती है? तो 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, 60 फुट का पुरुष के लिए भार कितना होता है? तो 7.260 केजी। ठीक है, एंड जेवलिन क्या कहते हैं, हैमर थ्रो में भी वही होता है। एंड महिलाओं के लिए कितना होता है 60 फुट का वजन? तो 4 केजी। नेक्स्ट है, 60 फुट का पुरुष वर्ग के लिए व्यास कितना होता है? तो 110 से 130 mm। एंड महिलाओं के लिए कितना होता है? तो 95 से 110 mm। नेक्स्ट है, पेरी ओब्रायन तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो 60 फुट में पेरी ओब्रायन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? 60 फुट में। एंड नेक्स्ट है, 60 फुट में तकनीक का प्रयोग किया जाता है तो पेरी ओब्रायन डिस्कोपट ऑर्थोडॉक्स, जिसमें से दोस्तों ऑर्थोडॉक्स स्टाइल एंड पेरी ओब्रायन दोनों प्राचीन शैली है, एंड जो डिस्कोपट है आपका वो नवीनतम शैली है, आधुनिक शैली है। नेक्स्ट है, पेरी ओब्रायन नामक थ्रोवर की नागरिकता कहाँ की थी? तो अमेरिका का था। नेक्स्ट है, वह ओलंपिक जिसमें पेरी ओब्रायन नामक थ्रोवर ने प्रथम बार स्वर्ण पदक जीता था, तो था 1952 हेलसिंकी फिनलैंड में इन्होंने जीता था। नेक्स्ट, 60 फुट स्पर्धा में अगर थ्रोवर की संख्या 8 से अधिक हो तो ट्रायल दिए जाएंगे। तो कितने ट्रायल मिलेंगे यदि थ्रोवर की संख्या 8 से अधिक हो 60 फुट में? तो 3 ट्रायल मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60 फुट की स्पर्धा में एक खिलाड़ी ग्लव्स पहन सकता है? नहीं पहन सकता है। नेक्स्ट है, अगर 60 फुट स्पर्धा में थ्रोवर 60 फुट को प्रक्षेपित करने के पश्चात रिटर्निंग लाइन के आगे से चला जाता है तो क्या होगा? तो फाउल माना जाएगा, आगे से उसको नहीं निकलना है। नेक्स्ट है, स्टाफ बोर्ड नामक उपकरण का प्रयोग किसमें किया जाता है? दोस्तों, तो 60 फुट में किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टाफ बोर्ड की ऊंचाई कितनी होती है? तो स्टाफ बोर्ड जो होता है 10 सेंटीमीटर ऊंचा होता है। एंड स्टाफ बोर्ड की चौड़ाई कितनी होती है? तो 11.2 से 20 सेंटीमीटर तक होती है। नेक्स्ट है, 60 फुट स्पर्धा में अगर टाई पड़ जाए तो निर्णय किस आधार पर लिया जाएगा? तो नेक्स्ट बेस्ट परफॉर्मेंस के आधार पर लिया जाएगा। तो दोस्तों, ये था आपका डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रो, जेवलिन थ्रो, शॉर्ट पुट यानी कि थ्रोइंग इवेंट से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन था, जिसमें आपके सभी
चीज़ें कवर हो गई चारों के बारे में। आई होप कि आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।